द क्वेश्चन इज फाइंड ऑफ के फॉर विच द गिवेशन है की वैल्यूज फाइंड करनी है और ये गिवन है कि इस इक्वेशन के रियल एंड एकक्वल रूट है राइट right? तो जब भी हमारे पास रियल और इक्वल रूट होते हैं तो वहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू तो जीरो होता है जब नेचर ऑफ रूट्स हम पढ़ते हैं तो वहां पर डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि रूट्स किस टाइप के होंगे एक हमारे पास आता है डी ग्रेटर देन तो उसमें हमारे पास रूट्स रियल होते हैं बट अन्यवल होते हैं तो यहाँ अभी गिवन है इक्वल रूट्स तो इक्वल रूट्स के लिए जो डी है इज इक्वल टू जीरो है यही हमारा यहाँ पर मेन की पॉइंट है जिससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है सो द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस थ्री के इंटू एक्स

माइनस फोर इंटू ए हमारा वन है और सी हमारा है सेवन इंटू थ्री प्लस टू के अब देखो यहाँ इसका जो है, वो करना पड़ेगा तभी हम यहाँ पर डी की कोई वैल्यू फाइंड कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ हम इसको पहले स्क्वायर करते हैं टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस हो गया और वन प्लस थ्री के इसका भी होल स्क्वायर हमें ओपन करना होगा आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि नाइन के स्क्वायर प्लस टू ए बी थ्री टू के राइट माइनस सेवन फोर जा ट्वेंटी एट इंटू थ्री प्लस टू के सो फोर फोर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये फोर यहाँ यहाँ है तो, तो यहाँ हमारे पास आएगा वन प्लस नाइन के स्क्वायर प्लस सिक्स के अच्छा यहाँ बचेगा सेवन तो सेवन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और सेवन टू जा फोर्टीन के फोर स्क्वायर सिक्स के और माइनस का फोर्टीन के हमारे पास माइनस एट के हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन एंड प्लस वन ये हमारे पास माइनस ट्वेंटी हो जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद आ गई है स्क्वायर माइनस एट के माइनस ट्वेंटी अब जो गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे सिंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स हैज रियल एंड क्वल रूट देट इज फोर इंटू नाइन के स्क्र माइनस एट के माइनस ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बचती है नाइन के स्क्र माइनस एट के माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो बेसिकली हमें इसी के फैक्टर्स करने हैं तो फैक्टर्स देखो क्या बनेंगे मतलब पहले ही आपको ट्वेंटी और नाइन की मल्टीप्लाई कर लेनी है वन एटी तो प्रोडक्ट चाहिए माइनस का वन एटी और माइनस uh, एट चाहिए है उनका सम या फिर डिफरेंस तो टेन एटीन एंड टेन एटीन इन टू टेन वन एटी और एट uh, और उनका डिफरेंस आ जाएगा सो नाइन के स्क्वायर माइनस एटीन के प्लस टेन के क्योंकि माइनस का एट है ना तो माइनस एटीन ग्रेटर वाला जो फैक्टर है वो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा इज इक्वल्स टू जीरो तो वैसे हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए नाइन के के माइनस टू टेन कॉमन ले लेंगे के माइनस टू दोनों फैक्टर से हमारे पास के माइनस टू कॉमन आ जाएगा नाइन के प्लस टेन इज इक्वल्स टू जीरो इधर के माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो और नाइन के प्लस टेन इज इक्वल्स टू जीरो तो यहां से या तो के की वैल्यू टू आ जाएगी या फिर के की वैल्यू माइनस टेन बाई नाइन आ जाएगी राइट दोनों वैल्यू से हमारे पास ये सॉल्व हो सकता है तो ये टू वैल्यूज है ये हमारा आंसर थैंक यू